अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जो 21 साल तक एक तहखाने में कैद रही, वो क्या समझेगी दुनियादारी को? हमारी बिटिया सच में बहुत ही मासूम और नासमझ है मम्मा। वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती कि किन्नर होने का मतलब क्या होता है। कहा किसी को धोखा देगी? सुनना की कोई गलती नहीं है मम्मा, उसने तुमको धोखा नहीं दिया है। हम सच कह रहे हैं नमन, हमारी बिटिया ने तुमको धोखा नहीं दिया है, उसकी कोनो गलती नहीं। हम तुम्हारे गुनहगार जरूर, हम चाह कर भी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए तुमसे सच नहीं कह पाए। चाहती थी तो बताया क्यों नहीं? आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। गुनाह नहीं है ये, एक पाप है, बहुत बड़ा पाप है ये। हम मानते हैं अनजाने में हमसे ही पाप हुआ है नमन। हम तुमसे हाथ छोड़कर विनती कर रहे हैं, गुनहगार माँ एक आखिरी एहसान कर दो नमन, हमारी बिटिया को बचा कर हमें 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 दे दो। हम वादा करते हैं उनको लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे। नमन नमन तुम्हें हमारी मदद कर सकते हो नमन? जिस रिश्ते की बुनियाद इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ हो, उस रिश्ते का कोई मोल नहीं रहता। लेकिन मैं बचाऊंगा सुनैना को, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे आप तक सही सलामत ला सकूं। सुनैना ने अपनी जान को खतरे में डाल के मेरी जान बचाई थी, इसलिए इंसानियत के नाते मैं उसे बचाऊंगा। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इसके बाद मुझसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखिएगा। सब काम हम खुद किए और तुम निकम्मे लोग अपना रहे। ये मुर्दा घर में ना लाश तुम्हारा लगा देंगे, समझ में आए? कौन गलती नहीं होना चाहिए, समझे? ठीक है सर। ओके पहनो, ये पहनो, ठीक है का? ठीक है पहनो। तुमको निकलना होगा। ऐसे कैसे कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल से गायब हो सकता है? आपके ऊपर मैं किडनैपिंग का केस लगा दूंगा, इस हॉस्पिटल को अभी के अभी बंद करा दूंगा। सर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मुझे अभी के अभी सीसीटीवी फुटेज देखनी है, समझे आप? जी सर आइए मेरे साथ, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ, आइए सर। गुड्डू, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, अच्छे से चेक करके बताइए। नमन कुछ पता चला?
वही पता करने के लिए जा रहा हूँ। चल सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, आ जा। नमन सेठी हॉस्पिटल में है। पता नहीं क्यों है लेकिन बहुत परेशान और हड़बड़ाया हुआ लग रहा है मैडम। का नमन अस्पताल में? सुनैना कहाँ? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। नमन का कोई दोस्त भी है उसके साथ? अच्छा सुनो हमरीबा, तुम जरा नजर रखना और जो कुछ भी हो हमको खबर करना, बुझे? ठीक है मैडम, ठीक है। सब चल का रहा है। वो हनीमून पे गया था और हॉस्पिटल पहुंच गया और बहुरिया का कुछ पता नहीं, ये हो का रहा है? अरे यहू तो और जीजी दोनों का फोन भी बंद है। आपको तो दाल में कुछ ज्यादा ही काला लग रहा है जीजी। देखिए जी, वैसे भी बहू और बेटा के बीच में पढ़ना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये मैटर ना थोड़ा सीरियस लग रहा है। अब कहीं उन दोनों को हमारी जरूरत तो नहीं? हमें तो लगता है कि हमें वहां पहुंचना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, हमको चल के पता लगाना चाहिए कि मामला कहाँ है। भाभी अगर चलना है ना तो फिर जल्दी चलिए। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नमन जो है किसी बड़ी समस्या में फंस गया? चलें? चलिए चलिए। बड़ी मम्मी ये शॉल आपने मंगाया था ना? हाँ हाँ ला। चलिए आइए जल्दी। अरे सोहल का है मंगाया था? हाँ पता नहीं, कह रही थी कि ठंड है। ठंड है? तबीयत तो ठीक है ना, हमको दवाई वाई दे देते। अभी लंच टाइम हुआ है, सब स्टाफ लोग बिजी है, मौका अच्छा है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। आपका ना मौका अच्छे से देख लीजिए। कौन सा पेशेंट है, कहाँ ले जा रहे हो? सॉरी अरे इन दो लोग को तो हमने मुर्दा घर के गेट में देखा था। आदमी इन लोग को नोट का गड्डी दे रहा था अभी कुछ 10 मिनट पहले। सर ये लवारिस बॉडी जलाने ले जा रहा। सर 10 मिनट रिवाइंड करेगा? हाँ। चल गुड्डू। हेलो सिक्योरिटी, जो दो लोग यहाँ से बॉडी लेके गए हैं वो लोग कौन थे और उस बॉडी को कहाँ लेके गए हैं, जल्दी बता। सर वो तो लवारिस बॉडी था, एक हफ्ते तक कोई क्लेम करने नहीं आता तो हॉस्पिटल के स्टाफ लोग ऐसे बॉडी को जला देते। सर कहाँ जलाते? अभी शमशान घाट है साहब, बहुत सारे यहाँ है, कौन सा बॉडी किधर जाता हमें नहीं पता साहब। यही पर जिंदा चला
ऐसे नहीं बोलेगा। रुक जा, पुलिस को फोन करते हैं। अभी तुमको छुपाने पर लात पड़ेगा, तब समझ में आएगा। रुक साहब, पुलिस को नहीं बोल। वो लोग हमें पैसे दिए थे और बोले तुम मुंह बंद रखना, बॉडी ले गए। कहाँ ले गए? बोल कहाँ लेके गए? शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं ना? ये दीजिए। आंटी जी, आप ऐसे बीच रास्ते में अकेले, आपको कहीं जाना है तो हम आपको छोड़ देते हैं। आज भोलेनाथ का दिन है, दर्शन करने जा रही थी। आओ ना, आप लोग भी आओ। बेटा, आज के दिन सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करोगे, मनोकामना जरूर पूरी होगी। आज महाशिवरात्रि का दिन है, शिव और सती के मिलन का दिन। आज के दिन किसी नेक इंसान के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए ना, तो इधर आके माथा टेक कर शिव जी का धन्यवाद जरूर करना। जय भोलेनाथ। भाग रिंकू भाग, नहीं तो मर्डर के इल्जाम में हम लोग अंदर जाएंगे। सुनैना, सुनैना, सुनैना! कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा।
नमन जी सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने जाने अनजाने में आपके साथ बहुत गलत किया, आपका बहुत दिल दुखाया है, सॉरी। अरे इला बाबा, तुम ठीक हो ना? और ये सब कहाँ है? आए हम अस्पताल गए थे तो हमें सब पता चला, ये सब हो रहा है, तो तुम ठीक हो ना बहुआ? हाँ कुमार जी, ये सब कहाँ है और बहुरिया को जिंदा कहाँ जलाया जा रहा है, बताइए हमको। हमको खुद नहीं पता, हम तो खुद खोज रहे हैं, बस याद को मर्ची देवी माँ का शुक्रिया की हमारे बिटिया वो बच गई है ना। अरे शुक्रिया आप मनाइए, लेकिन हमको हमारे सवाल का जवाब चाहिए। बार बार आपकी बिटिया के साथ भयंकर भयंकर कांड हो रहे हैं, कभी ये किडनैप हो रही है, कभी इसे जिंदा जलाने की कोशिश हो रही है, और आप कह रहे हैं कि हमको पता नहीं, और आप हमेशा अकेले कहाँ आते हैं बचाने के लिए अपनी बिटिया को? बाबू साहब पिक्चर में कहाँ नहीं आते? हमको तो ना सब डाउटफुल लग रहा है, कुछ ना कुछ है, गड़बड़ है, बताइए आप कहाँ हो रहा है आपकी बिटिया के साथ ये सब कुछ? किसी को सच में नहीं पता कि ये सब क्यों और कैसे हुआ, लेकिन अच्छी बात ये है कि सुनैना की जान बच गई। बाकी सब के पीछे कौन था ये हम बाद में देखेंगे। अब तुम हनीमून पे गए थे और यहाँ शमशान पहुंच गए हो, और तुम चाहते हो हम चुप रहे, कोई सवाल जवाब ना करे? बहुआ तुम्हारी माँ है, हम कुछ चिंता होती है, परेशान होते हैं बहुआ। देखिए माँ, आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन बाद में, प्लीज माँ। अरे नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप देखिए तो कहाँ खड़े हैं आप, हैं? और बच्ची का हालत देखिए। देखिए बच्चों को लेकर घर चलते हैं, उसके बाद पूरा बात कर लीजिएगा, चलिए। अरे रुकिए समनन जी, हम अपनी बहुरिया को लेकर जाएं या आप भी साथ चलेंगे अपनी बिटिया के साथ? बोलिए, आए हम सास हैं, हमारी कुछ हक है कि नहीं? हम कह रहे थे वो जैसे सुने ना की मर्जी। चलो चलो बहुरिया, आ चलो चलो। बोलका हुआ साहब, लड़की के फैमिली और उसके पति यहाँ पहुँच गए, इसलिए हम लोगों को भागना पड़ा, और शायद शायद लड़की बच गई। अबे निकम्मे, क्या बोल रहा है? रख फोन। क्या हुआ बेटा? एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए ना, तो इधर आके माथा टेक कर शिव जी का धन्यवाद जरूर करना। क्या हुआ बाबा? माँ चलते चलते मत्था टेक लेते, आज महाशिवरात्रि है। हाँ हाँ, आज सुनैना के सर से इतना बड़ा विपदा टला है, तो भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करना तो बनता है। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर।